नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर कैसे बना जा सकता है, क्या उसके लिए योग्यता होनी चाहिए और विंग कमांडर का पद कैसा होता है और क्या उसको करना होता है। सबसे पहले तो अगर आप विंग कमांडर का पद चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनडीए या सीडीएस या एफकेट करना पड़ेगा कंप्लीट, तब जाके आप वहाँ पे कमीशन ऑफिसर या फिर फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पे आप भर्ती होते हैं। जब आप फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर से विंग कमांडर बनने के लिए आपको कम से कम 13 साल लगेंगे। आपकी सर्विस जो है कम से कम आपकी 13 साल की कंप्लीट हो गई होनी होती है, तभी आप विंग कमांडर के पद पर जा सकते हैं। विंग कमांडर का काम क्या है? जैसा आप नाम देख रहे हैं कि विंग कमांडर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी विंग को कमांड करता है। अ विंग इज कमांडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के जो मेन ऑफिसर होंगे, जो पूरी विंग होती है उन्हीं के द्वारा कमांड की जाती है। विंग कमांडर का क्या काम है? अ विंग कमांडर कमांड द स्क्वाड्रन विच इज अ सब यूनिट ऑफ विंग। सिर्फ उसके एक स्क्वाड को कंट्रोल करने का अधिकार एक विंग कमांडर का होता है, जो कि एक सब यूनिट होती है विंग की। इसके अलावा अगर विंग कमांडर के पद की या पोस्ट की बात की जाए तो विंग कमांडर जो पोस्ट है ये बिल्कुल बराबर है लगभग इंडियन आर्मी के एलटी कॉलोनल यानी कि लेफ्ट एलटी कॉलोनल के बराबर। तो ये विंग कमांडर की मैंने कुछ बात कही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।